छात्रों, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, तो संविधान क्यों और कैसे, मैं कुछ प्रश्न आपको आपको बताए थे कि संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान का महत्व क्या है। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि जो प्रश्न रहेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु बताइए। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये नेहरू जी ने दिया था। ये किसने दिया था? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये। तो इसका उत्तर ये है, आपको इसको पढ़ना है तब आप, ये बहुत शॉर्ट में दिया है। तो उसने जो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार अपने कुछ प्रमुख बिंदु बताए थे कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रहेगा, संप्रभु मतलब उसका अपना एक संविधान रहेगा, उसमें अपने जो स्वतंत्र नागरिक हैं वो साम्राज्य स्थापित होगा। गणराज्य मतलब वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य पदों पर हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, इसलिए इसको गणराज्य कहा गया है। और उसके बाद भारत ब्रिटेन, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था भारत में, तो जहाँ जहाँ, जिस पूरे भारत में तो नहीं था, कुछ क्षेत्रों में था, तो जो ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले जो भारतीय क्षेत्र, और आपको मालूम है 562 करीब देसी रियासत थी, और देसी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र और भी क्षेत्र थे जो हमारे संघ का अंग बनना, संघ मतलब भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो एक संघ होगा, मतलब उसको हम शामिल कर सकते हैं। अब संघ की जो इकाइयां होंगी वो स्वायत्त होंगी, स्वायत्त मतलब जो इकाइयां बांटी जाएंगी, तो और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। इस प्रकार संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत क्या रहेगी? जनता रहेगी। तो मतलब गणराज्य है तो सारा शक्तियां किसमें शामिल रहेंगी? जनता में। ये थे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। ये आपको वैसे भी एक बार पढ़ चुके हो, ये फिर से एक प्रमुख प्रश्न है। और भी इसके प्रमुख पॉइंट हैं। जब संप्रभु गणराज्य होगा तो सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और सभी जनता को अब न्याय समान ढंग से मिलेगा, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए। आप पढ़ चुके हो संविधान में विशेषताओं में, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, अपना धर्म, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े, और जो जो पिछड़े पिछड़ गए हैं पहले, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, उनको समुचित सुरक्षा दी जाएगी, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जब भारत स्वतंत्र होगा, उसकी क्षेत्रीय अखंडता मतलब भारत का विघटन ना हो, तो जल, थल और आकाश में उनके संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए एक नियम निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रों के कानून, जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके समक्ष कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। और जो अंतिम प्रस्ताव बिंदु था वो था विश्व शांति और मानव कल्याण की विकास के लिए स्वेच्छा पूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। मतलब मेन जो उसका उद्देश्य था, विश्व शांति और मानव कल्याण की भावना। ये थे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। अच्छा, अब और भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपने अभी तक संविधान के बारे में इतना पढ़ा, तो इसका, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, तो आप ये ध्यान से पढ़िए, तो आपको लगेगा कि कौन सा कार्य नहीं है।
यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, तो गारंटी देता है संविधान, तो ये कार्य है उसका। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता करता है। शासन ने अपने तीन अंग बताए गए हैं, और भी शाखाएं हैं, सबको अलग अलग शक्तियां प्रदान की हैं। तो ये कार्य भी संविधान का है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये संविधान का नहीं है, ऐसा नहीं करता कि सत्ता में फिर है, या कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, ये भी ठीक है। तो इनमें कौन सा संविधान का कार नहीं है, ये इसका उत्तर गा होगा, और आप इसको अच्छे से देखिए। इस प्रकार हम पढ़कर उसमें से एक प्रश्न, एक ऑप्शन को अच्छे से चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो पहला पॉइंट है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। दूसरा है, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। संविधान, तीसरा है, संविधान ही बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे, जो तीसरा पॉइंट है, संविधान ने ही हमें बताया है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, इसलिए संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। क्योंकि संसद के बारे में किसमें लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर ये गा ही सही होना चाहिए। आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, तब उत्तर बनेंगे। फिर है, संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन, मतलब हर कथन को सही और गलत बताना है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ये सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, ये कथन गलत है, ये सही है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, ये कथन भी गलत है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, ये कथन सही है। इस प्रकार हम ध्यान से पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।